हाथरस कांड वाला बाबा भागा या भगाया गया? उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए हादसे के बाद पूरे देश में गम का माहौल है और सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि वो बाबा कहां गया जिसका प्रवचन सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी थी। लेकिन अभी तक अगर जानकारी की बात की जाए तो प्रशासन की जानकारी के मुताबिक 121 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो चुकी, जबकि कई लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज करा रहे हैं। बाबा का कहीं कोई पता नहीं चल पाया। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह भी आई कि मामले में जो FIR दर्ज हुई है उसमें 22 आरोपी बनाए गए, लेकिन इनमें बाबा का नाम कहीं पर भी नहीं है। आपको बता दें कि इस पूरे हादसे को लेकर एक जांच टीम बनाई गई है, लेकिन प्रथम दृष्टा यह बात सामने आई कि चरण रज यानी कि बाबा के पैरों की धूल पाने के लिए लोग उमड़ पड़े थे और इसी में भगदड़ मचने से पूरी घटना हुई। आपको वाकई दर वाकई हम बताते हैं कि पूरा घटनाक्रम रहा क्या। आखिर जिस आयोजन में यह घटना हुई वो हाथरस के फुलरई गांव में रखा गया था, जहां पर बाबा को प्रवचन देना था। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा 15 गाड़ियों के काफिले के साथ मैनपुरी के आश्रम से निकला और आयोजन स्थल पर पहुंचकर उसने अपना प्रवचन पूरा किया। खबर यह भी कि गर्मी और भीड़ ज्यादा होने के चलते बाबा करीब 1 बजे यहां से निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही बाबा सूरजपाल यहां से निकला उसके पीछे पीछे उसे देखने और पैरों की धूल यानी चरण रज के लिए महिलाएं दौड़ पड़ी और इसी वक्त यहां पर भगदड़ मचने से लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए। आरोप यह भी कि सेवादारों ने आश्रम पहुंचे लोगों को धक्का मुक्की उनसे की, जिससे हालात और बिगड़ते चले गए। खबर यह भी कि बाबा को पता चल गया कि भगदड़ मची है, लेकिन भगदड़ में लोगों को मरता छोड़कर बाबा वहां से भाग निकला और 15 गाड़ियों के काफिले के साथ वापस अपने मैनपुरी के उसी पिछुआ आश्रम में 2:30 बजे के आसपास आश्रम पहुंचा जहां से वो आया था। मैनपुरी में बाबा का आश्रम है जहां पर वो 6 कमरों में रहता है, जिसके बाहर एक बड़ा लॉन है, सेवादारों के रहने के लिए भी जगह है। यह पूरा आश्रम 21 बीघा में बना हुआ है। मंगलवार को हुए हादसे के कुछ घंटे के बाद यह खबर लग गई थी कि बाबा नारायण साकार हरि अपने आश्रम में है, जिसके बाद मीडिया समेत कई लोग यहां पर पहुंच चुके थे, लेकिन आश्रम के गेट बंद थे और ऊंचे ऊंचे गेट। प्रशासन को जब खबर मिली तो यहां करीब 30 जवानों की तैनाती कर दी गई, लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी ना तो आश्रम के अंदर से कोई गया और ना ही आश्रम के अंदर से बाहर कोई आया। इसके बाद रात करीब 11 बजे सर्कल ऑफिसर सुनील कुमार सिंह चौहान अकेले आश्रम में पहुंचे और 1 घंटे के बाद यानी कि करीब 11:55 पर आश्रम से बाहर आए। सवाल करने पर CEO ने कहा कि आश्रम में बाबा को खोजा गया, बहुत खोजा गया, लेकिन वो नहीं मिला। हैरानी की बात यह है कि बाबा को खोजने के लिए CEO अकेले अंदर गए, उनके साथ कोई और नहीं गया, और फिर वो बाहर आकर कहते हैं कि बाबा आश्रम में नहीं है, जबकि सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के भक्तों का यह कहना है कि बाबा मंगलवार दोपहर 2:30 बजे आश्रम आया और फिर वहां से वो कहीं नहीं निकला। इस पूरी घटना के बाद बुधवार सुबह 11:30 बजे के आसपास CM योगी हाथरस पहुंच गए थे। उन्होंने जिला अस्पताल में घायलों से मुलाकात की और फिर घटना स्थल का मुआयना करते हुए अफसरों से पूरे हादसे की जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि हादसा साजिश जैसा है, लोग मरते गए, सेवादार वहां से भाग गए। उन्होंने ना तो प्रशासन को खबर की ना ही मदद ली, और प्रशासन की टीम जब पहुंची तो सेवादारों ने उन्हें आगे जाने नहीं दिया। हमने भी कुंभ जैसे बड़े आयोजन किए, लेकिन ऐसी चीजें नहीं आई। CM ने यह भी कहा कि जांच के लिए SIT का गठन कर दिया गया है। हाईकोर्ट के रिटायर जज, पुलिस के सीनियर रिटायर ऑफिसर की टीम भी मामले की जांच करेगी और जो भी मामले में दोषी होगा उसको सजा पूरे मामले में जरूर दिलाई जाएगी। इधर प्रयागराज में एक वकील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में PIL दायर कर दी और CBI से जांच करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में भी वकील विशाल तिवारी ने एक PIL दाखिल की है। इसमें रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 5 विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर जांच की मांग की गई है। बता दें कि मंगलवार देर रात हादसे में 22 लोगों के खिलाफ सिकंदरा राव थाने के दारोगा ने FIR दर्ज कराई, जिसमें मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर का नाम है, जबकि बाकी सब अज्ञात हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें मुख्य आरोपी भोले बाबा उर्फ हरि नारायण साकार का नाम ही नहीं है। हादसे के बाद से बाबा अंडरग्राउंड हो गया। मैनपुरी में आश्रम के बाहर पुलिस तैनात है। हालांकि एक बात यह भी सामने आ रही है कि बुधवार सुबह 6 बजे आश्रम से 6 गाड़ियों का काफिला बाहर आया था,
जिसमें एक गाड़ी पर काली फिल्म चढ़ी हुई थी, इसमें कौन था, सवाल ये उठे। हालांकि पुलिस प्रशासन अब भी यही कह रहा है कि रात को जब चेक किया गया तो सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि आश्रम में था ही नहीं। लेकिन सवाल अब भी यही बना हुआ है कि सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि आखिर कहां भाग गया। एफआईआर में भी बाबा का नाम आखिर क्यों नहीं है। आश्रम में जांच करने के लिए सिर्फ एक पुलिस अधिकारी ही भीतर क्यों गए। सुबह आश्रम से जो गाड़ियां रवाना हुई वो किसकी परमिशन से निकल गई, किसकी गाड़ियां थी, उनमें कौन कौन सवार था, जो सवार लोग थे वो कहां के लिए रवाना हुए। वैसे आपको ये भी बताएं कि सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा ने 26 साल पहले सरकारी नौकरी छोड़कर प्रवचन शुरू किया था। एटा जिले के पटियाली तहसील के गांव बहादुर नगरी का वो बाबा रहने वाला है। और दिलचस्प बात तो ये है कि नारायण साकार हरि दूसरे बाबाओं की तरह गेरुआ कपड़े या कोई अन्य पोशाक नहीं पहनते हुए सफेद सूट टाई जूते में तो कभी कुर्ते पजामे में नजर आते हैं। बाबा को गॉगल्स का बड़ा शौक रहा है। लेकिन फिलहाल सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा फरार है, जिसकी तलाश जारी है।